हाई गाइस, मैं हूं सविन सिंह। आज फिर आज गाँव एक नई वीडियो लेकर के, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो के इन तक जुड़े रहना। पोखरा के एक गांव में रहने वाले 87 वर्षीय बाबरजन कुरुंग अपने घर के बाहर धूप में बैठ रहा था। उसी वक्त एक बड़ा सा साउंड सुनाई दिया। फिर उन्होंने उस तरफ देखते ही देखते एक प्लेन जाके सेती नदी के खाई में गिर गया। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आपको बता रहे हैं नेपाल में हुए प्लेन हादसे के बारे में। एटी एयरलाइंस के 9 ANC जहाज रविवार को सुबह 8:10 में काठमांडू से पोखरा के लिए रवाना हुआ। कैप्टन कमल केसी और अंजू खतियोड़ा प्लेन को उड़ा रहा था। प्लेन में सवार चालक दल के 4 सदस्य और 57 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रशियन, 2 कोरिया और अन्य कई देशों के 4 लोग भी था। पोखरा के आकाश में पहुंचते ही कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से प्लेन लैंडिंग के लिए अनुमति मांगा था और इस ATC ने भी सब कुछ सही होने के बाद प्लेन लैंडिंग के लिए अनुमति दे दी थी। उसके बाद ही पश्चिम की ओर से आते ही अकस्मात प्लेन क्रैश हो गया। ये हादसा पोखरा के पुराने एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। इस हादसे में टोटल 72 लोगों की जान चली गई थी। ये प्लेन हादसा क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। Thanks for watching this video. Subscribe my channel and press the bell icon.